यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के दरबार में भी जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसने झोला खोला, छोटे से बच्चे को थोड़ा दूर बैठाया, झोले से निकलता है बाटल, बाटल का ढक्कन खोला और शरीर पर उड़ेल दिया, तत्पश्चात माचिस निकाला और फिर जी हाँ, यह लखनऊ की घटना है और एक महिला ने इस प्रकार का दुस्साहसिक कृत्य किया है। वह न्याय की प्रत्याशा में दो दिन पहले भी ऐसा बताया जाता है कि आदित्यनाथ योगी के दरबार में आई थी जनता दर्शन में अपनी फरियाद लेकर के। उसका आरोप है कि थाने से हमें न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने ऐसा किया। बुरी तरह से जल गई है, KGMU में उसे एडमिट कराया गया है। लोगों ने आग बुझाने का काफ़ी प्रयास किया, वहाँ आग बुझाने का कोई और तरीका नहीं था, लोगों ने पानी से ही बुझाया जो और भी घातक हो सकता है। महिला चिल्लाने लगी, बाद में उसको एहसास हुआ होगा कि हमने गलती कर दिया, हमारे गोद के बच्चे का क्या होगा। बाद में यही होता है, बहुत से मामलों में हमने ऐसी घटनाओं को देखा है कि कुछ लोग गुस्से में अगर पॉइजन खा लिए हैं, उस समय तो क्षणिक गुस्सा आया, उन लोगों ने ऐसा कर लिया, किंतु बाद में जीने की अभिलाषा उनकी जग जाती है और उन्हें यह लगता है कि हमने जो किया वह बहुत बुरा किया। दर्द से कराहते हुए और मृत्यु सामने नाचते हुए जब देखते हैं तब चिल्लाते हैं और कहते हैं हमें बचाओ बचाओ बचाओ, हमसे भूल हो गई, हम जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा है, कुछ बच गए और कुछ चले गए, क्योंकि अब बचाना उन्हें मुश्किल हो रहा था। विशेष रूप से सल्फास वगैरह लोग खाते हैं तो वह लोग चिल्लाते चिल्लाते मर जाते हैं, अंत तक बोलते रहते हैं। सावधान ऐसी घटनाओं से, अगर आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं तो इस तरह का कभी भी निर्णय आप न लें, जीवन बड़ा बहुमूल्य है। अब महिला 70% जल गई है, मामला महिला रहने वाली है उन्नाव की, गोद के बच्चे को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर थोड़ी दूर पर रखा और रख करके यह काम किया। कई सवाल हैं, अब मामला क्या है महिला का उस पर बताता हूँ और फिर यह घटने इस घटना के बारे में कैसे इसके तार जोड़े जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के तरफ, इस पर भी हम बात करेंगे, और फिर पुलिस की निष्क्रियता पर बात करेंगे, पुलिस की लाचारी पर बात करेंगे, और क्या ऐसे सारे मामलों का निदान पुलिस के पास है, क्या सारे मामलों पर पुलिस के ऊपर थोपा जा सकता है कि पुलिस ने नहीं किया, इन सब विषयों पर भी एक स्वस्थ विवेचन करूंगा। उन्नाव का है थाना पुरवा, गांव है दत्ताखेड़ा, वहाँ की एक महिला जिसकी शादी 3 साल पहले लगभग हुई थी, उसका जो पति है वह झोला छाप डॉक्टर है, बात कुछ दिन ठीक ठाक रही शादी के बाद, फिर दुराव शुरू होता है। महिला का कहना है कि वह लोग हमें मारते पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग करते थे, और हम जब 30 तारीख को गए थे तो सासू ननद और सब लोगों ने हमें दुत्कारा, मारा पीटा, दहेज की मांग किया, उसमें हमारा पति भी था। फिर हम थाने गए, थाने में हमारी सुनवाई नहीं हो पाई, फिर हम आए मुख्यमंत्री दरबार में, अधिकारियों के यहाँ गए, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। महिला के बैग में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को संदर्भित एक पत्र मिलता है जिसमें वहाँ के थानाध्यक्ष, थाना पुरवा के थानाध्यक्ष राजेश यादव पर आरोप लगाया जाता है कि राजेश यादव ने उस तरफ से पैसा लेकर के ऐसा किया। जो निराश होता है वह आरोप लगाता है, हम हजारों मामले ऐसे आए हैं कि गुरुजी 20,000 ले लिया है दरोगा, हमने कहा कब देखा, कैसे जाना, करे गुरुजी पता है हमको, अब पूछने पर तब वह दाएँ बाएँ करेंगे, लेकिन एकोरेट बताएंगे कि इतना पैसा दिया है, यह भी है। तो दोस्तों अब यह मामला, अब वहाँ के हम SP सिद्धार्थ शंकर मीना की बात करें जो वहाँ पुलिस कप्तान हैं, तो उनका कहना यह है कि 2 अगस्त को महिला की तहरीर पर दहेज व मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, पति और देवर को जेल भेज दिया गया, यानी आज की घटना है और एक दिन पहले जेल भेजना बताया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि महिला समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तरफ से आई थी, हो सकता है गई हो, न्याय यहाँ न मिले वहाँ हमारी बात कोई उठा दे, हो सकता है वहाँ से उकसाया गया हो,
यह भी कहा जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा गंदा कृत्य करने वाला व्यक्ति तो नहीं होगा जो उपसाएगा और कहेगा कि अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लो और आग लगा दो, सब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे इस तरह की दूषित मानसिकता के। जांच का विषय है। पुलिस वीडियो फुटेज एकत्र कर रही है, तलाश रही है कि महिला किधर से आई है, यह भी पता लग जाएगा पहले कहाँ आई, कहाँ उसने चाय पिया, कहाँ कितने देर तक रही, क्योंकि हर जगह अब अपराध करके बचना बहुत मुश्किल है किसी भी शहर में, क्योंकि हर जगह सरकारी कैमरे भी लगे हैं, कुछ काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, और लोगों ने प्राइवेट रूप में भी लगवाया है, इसलिए हर जगह से मिल जाएगा कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकेंड पर कहाँ रहा, कैसे गया, टोटो पकड़ा, ऑटो पकड़ा, पैदल जा रहा हुआ, ये सारी बातें आ जाएंगी। पुलिस यदि निकालेगी तो एक एक पल का लोकेशन निकल जाएगा। अब ऐसे मामलों में फायर ब्रिगेड कहाँ थी, क्योंकि उनका चिकित्सीय टीम कहाँ थी। मुख्यमंत्री आवास पर अगर ऐसी सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आई, तो पुलिस कर्मियों ने अपनी गाड़ी पर लेकर के उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। पहले किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ उसे प्रारंभिक इलाज करके रेफर कर दिया जाता है, तो KGMU में उस महिला को ले जाया जाता है। एक मामला तो यह हुआ, दूसरे फतेहपुर की DM मैडम ऐसी गुस्सा में आई कि उन्होंने एक युवक को तमाचे जड़ दिया, पीट दिया। अब DM मैडम हैं, युवक का कसूर क्या था, युवक भी भगवाधारी था, भगवा गमछा लिया था, अब भगवा गमछा लिया है तो एक बड़ा लाइसेंस है, करेंगे क्या। मैडम फतेहपुर की हैं, नाम है इंदुमती, फतेहपुर की जिलाधिकारी हैं। यह गई थी, यह 2012 बैच की IAS अफसर हैं, 151 रैंक है इनका। मैडम का बड़ा दबदबा है, रुतबा वाली हैं, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। तो मैडम गई थी डूडा में जांच करने, कई विभागों में जांच किया, और एक डूडा में अपने ADM और इन लोगों को लेकर के जांच कर ही रही थी कि एक लड़का उधर से निकला, मैडम को थोड़ा सा धक्का लग गया, टच हो गया, मैडम ने आओ देखा न ताओ, और फिर मैडम ने जड़ दिया तमाचा। इतने पर भी मैडम को संतोष नहीं हुआ, तो मैडम ने पुलिस से कहा कि इसे ले जाओ। यही होता है, पुलिस बुलाते हैं और पुलिस वहाँ भी थोड़ा सा करती है और ले जाती है, और कुछ नहीं तो कोई और मामला दिखा करके 151 तो खुला हुआ है, चालान कर देगी, उन्हीं का मजिस्ट्रेट है, उसी दिन बेल दे देगा या फिर 14 दिन के बाद जेल भेज देगा, 14 दिन के बाद जमानत होगी। यह दो मामले ऐसे हैं। पहला मामला तो हिला करके रख दिया है, उस बच्चे का क्या होगा, संभवतः बेटी है, क्या होगा, जिसकी उम्र मात्र 2-2.5 साल है। फोटो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ वह बच्ची बैठी हुई है और एक तरफ महिला धू धू करके उसका। लोग पानी लेकर के आग बुझाते हैं, पानी से आग बुझाना बहुत घातक है। ऐसे मामले पहले भी हुए हैं, आज भी होंगे, कब तक होते रहेंगे, और हमारी पुलिस कब तक इस पर असंवेदित रहेगी। क्या ऐसे सारे मामलों का इलाज पुलिस के पास है कि हर मामले पर वह दखल दे करके और तत्काल न्याय दिला सके, ऐसा भी नहीं है। अब भाई भाई का झगड़ा है, पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो कहेगी भैया पहले मामा को बुला लीजिए, अपने फूफा को बुला लीजिए, और आपके जो दामाद होंगे घर के उनको बुला लीजिए और निपटा लीजिए। आप लोग यही काम करेंगे भी, लेकिन अब वह बात उन्हें रास नहीं आएगी। अगर पुलिस में एप्लीकेशन दे दिया तो थानाध्यक्ष क्यों नहीं पहुँचा, एक्शन क्यों नहीं हुआ। यह भी बात सही है कि पहले से ज़्यादा उत्कोच बढ़ा है, इसमें भी दो राय नहीं है। पहले यह सच है कि पहले कम पैसे में काम हो जाता था, अब अधिक पैसे में हो रहा है। पहले पुलिस थोड़ा डर लाज थी, अब वह चीज़ें खत्म हो गई हैं। बाबा का कोई इकबाल दिख नहीं रहा है, यद्यपि बाबा लगातार चाबुक चला रहे हैं, लगातार एक्शन भी ले रहे हैं, छोटी छोटी घटनाओं पर नप जा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा मामला आज भी हमारे सामने आया है, रोज़ ही कुछ न कुछ लोग बताते हैं, प्रमाण के साथ बताते हैं, लेकिन पुलिस उधरने का नाम नहीं ले रही है। कुल मिलाकर के उन्नाव की महिला ने जो किया है मुख्यमंत्री आवास पर, यह घटना झकझोर देने वाली है, और एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि जिनके जिम्मे इसका, अगर समय रहते अपराध दर्ज हो गया होता, समय रहते पुलिस ने एक्शन लिया होता,
तो स्वाभाविक है कि महिला ऐसा नहीं कर पाती। अब पुलिस भी है, पुलिस बुलाएगी, वह भाग रहा है, नहीं आएगा। दोनों को बैठा करके सुलह समझौता भी कराते हैं लोग, काफ़ी मेहनत करते हैं। कुछ आरक्षी हैं जो इतना मेहनत करते हैं जितना कोई पंच नहीं करेगा। अब लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, पारिवारिक मामले में लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हवालात नहीं जाएंगे, जब तक एक्शन नहीं होगा, 151 भी जरूरी हो जाता है, अब 151 नहीं है, अब नई धाराएं अधिरोपित हैं। जब तक हवालात में नहीं जाएंगे तब तक समझौता नहीं होगा, जब तक 2-4 साल 10 साल लड़ नहीं लेंगे तब तक समझौता नहीं होगा। समझौता होगा 302 के बाद भी होगा, यानी हत्या होने के बाद भी समझौता होगा, अंत में वही है। अब महिला के साथ जो हुआ है वह बहुत दुखद है, और जो फतेहपुर की इंदुमती डीएम मैडम ने जो किया है, इस पर भी आपके विचार सादर आमंत्रित किए जाते हैं। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार।